गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास के इकोनॉमी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों आइए समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? नंबर में एस बराबर एफ ब्रैकेट 1/p, बी में है एस बराबर एफ ब्रैकेट क्यू, सी में है एस बराबर एफ ब्रैकेट पी और डी में इनमें से सभी। सही आंसर सी नंबर एस बराबर एफ ब्रैकेट पी। अगला प्रश्न है, केंद्र के बजट निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होगा? ए नंबर में है S1, बी नंबर S1S, सी नंबर S1 और डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? ए नंबर उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और सी नंबर उत्पादन वस्तुओं की वस्तुओं को कैसे वितरित किया जाए, डी नंबर उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ए नंबर समाजवादी, बी नंबर पूंजीवादी, सी नंबर मिश्रित, डी नंबर ये सभी। सही आंसर है सी नंबर मिश्रित। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है? ए नंबर व्यक्तिगत परिवार, बी नंबर व्यक्तिगत फर्म, सी नंबर व्यक्तिगत उद्योग, डी नंबर ये सभी। सही आंसर है डी नंबर ये सभी। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए नंबर मार्शल, बी नंबर मालथस, सी नंबर पीगू, डी नंबर हिक्स। सही आंसर है सी नंबर पीगू। अगला प्रश्न है, मांग की लोच का मान होता है क्या होता है? नंबर धनात्मक, सी नंबर ऋणात्मक, डी नंबर शून्य, सी नंबर शून्य, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? ए नंबर उत्पादकता, बी नंबर संतुष्टि, सी नंबर उपयोगिता, डी नंबर लाभदायकता। सही आंसर है सी नंबर उपयोगिता। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहा जाता है उन वस्तुओं को? ए नंबर पूरक वस्तुएं, बी नंबर स्थापन वस्तुएं, सी नंबर आरामदायक वस्तुएं, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए नंबर पूरक वस्तुएं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण क्या हैं? ए नंबर साधनों की सीमितता, बी नंबर साधनों की अपूर्ण स्थापन, सी नंबर और ब दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर ए और बी दोनों, साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थापन। अगला प्रश्न है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? ए नंबर आर्थिक लागत, बी नंबर साम्य कीमत, सी नंबर सीमांत लागत, डी नंबर औसत लागत। सही आंसर है बी नंबर साम्य कीमत। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि तथा पूर्ति में 5% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी? ए नंबर अत्यधिक लाजदार, बी नंबर लोजदार और सी नंबर बेलोजदार और डी नंबर पूर्णत बेलोजदार। सही आंसर है सी नंबर बेलोजदार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है? ए नंबर ऋण पर ब्याज, सी नंबर कच्चे माल की लागत, सी नंबर फैक्ट्री का किराया, बी नंबर बीमा की किस्त। सही आंसर है डी नंबर बीमा की किस्त। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है? ए नंबर अर्थव्यवस्था के यौगिक चरों जैसे राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय बचत का और बी नंबर
संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि का, सी नंबर संपूर्ण समाज में उत्पादन एवं आय के वितरण का, डी नंबर इनमें से सभी विषयों का। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, इनमें से सभी विषयों का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक किसके द्वारा शाख पर नियंत्रण रखता है? ए नंबर में है बैंक दर, बी नंबर खुले बाजार की प्रक्रिया, सी नंबर नकद कोष अनुपात, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या कहलाता है? ए नंबर बाईं ओर खिसक जाता है, सी नंबर दाईं ओर खिसक जाता है, सी नंबर अपने स्थान पर स्थिर रहता है, डी नंबर पहले बाईं फिर दाईं ओर खिसक जाता है। सही आंसर डी नंबर, पहले बाईं फिर दाईं ओर खिसक जाता है। अगला प्रश्न है, एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ है कि, क्या अर्थ है? ए नंबर वस्तु आवश्यक आवश्यकता के, बी नंबर वस्तु आवश्यकता है, और सी नंबर वस्तु आरामदायक वस्तु है, और डी नंबर वस्तु विलासिता वस्तु है। सही आंसर है ए नंबर वस्तु आवश्यक आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या रेखाएं हैं? ए नंबर मूल उपयोगिता बराबर मूल, बी नंबर सीमांत उपयोगिता बराबर मूल, सी नंबर औसत उपयोगिता बराबर मूल, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, क्या नहीं है? ए नंबर क्या उत्पादन हो, बी नंबर विदेश व्यापार कैसे बढ़े, सी नंबर किस विधि से उत्पादन हो, डी नंबर किस लिए उत्पादन हो। सेंसर डी नंबर किस लिए उत्पादन हो। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं? ए नंबर गोसेन का दूसरा नियम, बी नंबर प्रतिस्थापन का नियम, सी नंबर उपभोगिता ह्रास का नियम, डी नंबर ए और बी दोनों। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर गोसेन का दूसरा नियम। तो यह था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के इकोनॉमी चैप्टर के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।